गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द नंबर वन क्वेश्चन ऑफ जनरल एंट्रीज, और आज की क्लास में अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जनरल एंट्रीज का। जो ये क्वेश्चंस आपको होम असाइनमेंट के लिए दिए गए थे उन्हीं के आंसर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, आपने सॉल्यूशन किए हैं, आपको उसको इस आंसर से रीचेक करना है, अपने एरर्स को ढूंढना है, गलतियों को ढूंढना है और उनको रेक्टिफाई करना है, सही करना है एरर्स को, गलतियों को। देखिए जो ट्रांजेक्शंस थे अपने सेकंड क्वेश्चंस के वो यहाँ नोट डाउन है, मैं एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। जनवरी 1st को है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹70,000। सेकेंड जैन को ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹30,000। थर्ड जैन को ट्रांजेक्शन है कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक ₹40,000। फोर्थ जैन को जो ट्रांजेक्शन है वो है बोथ ए बिल्डिंग फ्रॉम एल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट ₹95,000। फिफ्थ जैन को दिया हुआ है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹5,000। सिक्स्थ जैन को ट्रांजेक्शन है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹4,000। सेवंथ जैन को ट्रांजेक्शन है टॉवल्स गिवन एज चैरिटीज ₹3,000। एट्थ जैन को ट्रांजेक्शन दिया है शर्ट्स टेकन ओवर बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज ₹12,000। नाइन्थ जैन को ट्रांजेक्शन है साड़ीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल ₹3,000। और टेंथ जैन को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है गुड्स जैसे कि टेबल क्लॉथ लिखा हुआ है यूज्ड फॉर ऑफिस यूज ₹200। अब अपन बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, तो अपन फर्स्ट ट्रांजेक्शन देते हैं कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, यानी कि एक ट्रांजेक्शन में अपने को दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने हैं। यहां पर अपन अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं, पहला अकाउंट कैश, बिजनेस कमेंस यानी स्टार्ट करना कि बिजनेस स्टार्ट किया है, और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। और कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, पर्सनल अकाउंट अपना, और ये कौन सा अकाउंट हुआ, कैश, रियल अकाउंट। अब अपन वापस रूल्स की बात कर लेते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अपन जर्नल एंट्री हमेशा बुक्स बिजनेस की बुक्स में करते हैं, यानी कि ये जो ओनर है उसने ये पैसा बिजनेस को दिया है, क्रेडिट होगा ना, गिवर है, यानी कि ओनर को क्रेडिट करना है, और ओनर की जगह पर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखेंगे। अब बात करें दूसरा कैश अकाउंट की, तो कैश कौन सा है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, एंट्री कर देते हैं जनवरी 1st। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट 70,000। नरेशन अपन लिख देते हैं दिन बिजनेस स्टार्टेड, हो गए फर्स्ट ट्रांजेक्शन की एंट्री। सेकेंड ट्रांजेक्शन सेकेंड ऑफ जैन को क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, यानी कि परचेज है, क्रेडिट बेसिस पर है, क्रेडिट परचेज है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर इंडिकेट किया हुआ है क्रेडिट के लिए। तो अपन बात करते हैं कि अब दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं, कौन कौन से, पहला अकाउंट गुड्स, दूसरा किससे खरीदा, एक्स एंड कंपनी से। अब गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, एक्स एंड कंपनी कौन सा अकाउंट है अपना, पर्सनल। वापिस अपन रूल्स की बात कर लेते हैं दोनों अकाउंट की, जब पर्सनल अकाउंट के रूल की बात करते हैं तो रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही होता है, यानी कि यहां पर जब एक्स एंड कंपनी से गुड्स बिजनेस ने परचेज किया है तो एक्स एंड कंपनी रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है। दूसरी चीज गुड्स, गुड्स की बात करी तो गुड्स रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट में कम्स इन क्रेडिट व्हाट में गोज आउट। तो बिजनेस के पास क्या आया, गुड्स आया, जब गुड्स खरीदा है तो अपन कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, परचेज काम में लेते हैं कि नहीं लेते, तो अपन यहां लिख देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, एक्स एंड कंपनी से, कितनी अमाउंट का, 30,000 का। नरेशन अपन लिख देते हैं
बींग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एंड कंपनी। थर्ड चेन को क्या ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी कि फिर दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं, क्या डिपॉजिट करवाया, कैश, किस में डिपॉजिट करवाया, बैंक में, बैंक पर्सनल अकाउंट, कैश फिर से रियल अकाउंट। दोनों ट्रांजेक्शन में अपने पर्सनल और रियल अकाउंट ही आइडेंटिफाइड हुए, यानी कि इस ट्रांजेक्शन में भी पर्सनल और रियल अकाउंट ही आइडेंटिफाइड हुए। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अब बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक रिसीवर है, यानी कि बैंक को डेबिट कर दिया अपने, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या डिपॉजिट करवाया बैंक में, पैसा, कैश, कैश अकाउंट। तो अपने एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक चीज और ध्यान दो कि इस जर्नल एंट्री में जहां पर कैश और बैंक एक साथ आते हैं ऐसी एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। तो अब यहां पर अपन नरेशन लिख देते हैं, बैंक कैश डिपोजिटेड अमाउंट कितनी है, 40,000 की अमाउंट लिख देते हैं, 40,000 की फोर्थ जेन की बात कर लेते हैं। फोर्थ जेन को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, बोट ए बिल्डिंग फ्रॉम लैंड एल एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीद रहा है, यानी कि पैसे तो दिए नहीं है। अब बात करें दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करने के लिए, क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी से, किससे खरीदी है, एल एंड कंपनी से। अब बिल्डिंग वापिस रियल अकाउंट, एल एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट, नाम आ रहा है, सेम चीज है। अभी यहां पर हमने बिल्डिंग परचेज करी है, इसके लिए परचेज वर्ड काम में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए काम में लिया जाता है। गुड्स के एडिशन में अलावा अगर कोई चीज असेट हम खरीदते हैं तो पर्टिकुलर असेट का नाम आता है, यही बताया हुआ है, यानी कि यहां पर हमने क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी। बिजनेस के पास क्या आया, बिल्डिंग आई, डेबिट कर देते हैं, यानी कि एंट्री हो गई अपनी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अब पैसे तो दिए नहीं उसको, क्रेडिट में खरीदी, तो किससे खरीदी है, एल एंड कंपनी से, यानी कि टू एल एंड कंपनी अकाउंट। कितने रुपए इसकी, 95,000 की, 95,000। नरेशन लिख देते हैं, बैंक बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम एल एंड कंपनी, क्लियर है। बात करते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन नंबर फिफ्थ। देखिए, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसे विड्रॉ किए बैंक से, वापिस दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करते हैं, क्या निकाला, पैसे निकाले, किससे, बैंक से, ऑफिस यूज के लिए, तो यानी कि ऑफिस में काम आ रहा है, वापिस कैश और बैंक एक साथ नाम आ रहा है, तो कौन सी एंट्री बन गई, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। अब कॉन्ट्रा एंट्री बन गई तो बैंक से पैसे निकाले, बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, और कैश रियल अकाउंट है, क्या कहता है रियल अकाउंट का रूल, डेबिट वोट में कम सी, बिजनेस के पास क्या आया, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब बैंक की बात करें, बैंक कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जब बैंक से बिजनेस ने पैसा निकाला उस कंडीशन में बैंक गिवर है तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 5,000 की। नरेशन अपना लिख देंगे अपन, बैंक कैश विड्रू अब सिक्स्थ जेन की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ जेन को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे विड्रॉ किए, और जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करता है तो उसको क्या बोलते हैं,
ड्रॉइंग्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, ड्रॉइंग्स ही बोलते हैं। और ड्रॉइंग्स कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है कि ये ओनर के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है। तब अब उस कंडीशन में बात करें तो बिजनेस के पास से पैसा तो चले गया बैंक से, दोनों चीज एक ही चीज है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। अब रूल की बात कर ले पर्सनल अकाउंट की, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही रूल होता है। यानी कि रिसीवर कौन है? ओनर। ओनर ने पैसे दिए, लेकिन ओनर को अपन किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर? ड्रॉइंग्स के। तो यहां पर अपन ने बात कर ली कि ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पैसे दिए किसने? बैंक ने, यानी कि बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 4000 की, अपन ने लिख दी 4000। नरेशन अपन लिख देते हैं कैश withdrew from bank, ठीक है। बात करते हैं सेवंथ जेन की। सेवंथ जेन को क्या लिखा हुआ है? टॉवल्स गिवन एज चैरिटीज रुपीज 3000। चैरिटीज के अंदर टॉवल्स उसने चैरिटी में दे दिए। देखिए एक चीज है, दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करें, पहला अकाउंट चैरिटीज, दूसरा अकाउंट टॉवल। अब जब टॉवल्स की बात हुई तो इसको अपन गुड्स भी तो बोल सकते हैं। टॉवल यानी गुड्स क्या होता है? जो बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वही तो उसके लिए गुड्स होती है। तो यहां पर इसने अपने बिजनेस में से टॉवल्स दिए, तो इसका मतलब इसने गुड्स दिया है, दिया कि नहीं दिया? और जब गुड्स को हमने खरीदा था तब क्या वर्ड काम में लिया था? परचेज। अब जब ये चैरिटी में इस टॉवल्स को फ्री में दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, यानी इसके बदले में पैसे ना तो आए और ना इन फ्यूचर में आएंगे, नहीं आएंगे ना? आएंगे नहीं। तो अपन क्या कहेंगे कि यहां पर हम ये मान लेते हैं कि हम परचेज खरीदा ही कम था, सब हमने क्या किया था? हमने खरीदा ही कम था। तब अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? अब देखो चैरिटी की बात करें तो कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट, और गुड्स रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये जो चैरिटी आपने दे दी थी उसके पैसे तो नहीं आएंगे फ्यूचर में, भी नहीं आएंगे और अभी भी नहीं आए, यानी कि लॉस है, तो अपन क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो चैरिटीज अकाउंट डेबिट टू, अब क्या दिया? टॉल दिया, यानी कि गुड्स दिया। और गुड्स के लिए पहले कौन सा वर्ड काम में दिया था? खरीदने के लिए परचेज। तो हम परचेज कम करना मान देंगे, हमने खरीदा ही कम था, पैसे तो आएंगे नहीं, तो हम यहां क्या कर देंगे? टू परचेज अकाउंट। कितने रुपए का दिया है? 3000। एंट्री लिख देंगे बैंक टॉवल्स आर गिवन एज चैरिटी। बात करें एट्थ जेन की। एट्थ जेन को देखिए, शर्ट्स टेकन ओवर बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। अब जब पर्सनल यूज के लिए लिया है, यानी कि वापस ड्रॉइंग्स की बात करी होगी, ड्रॉइंग्स का मतलब बताया था विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर या ओनर इन कैश और गुड्स। जो गुड्स और कैश के रूप में ओनर ने जो पर्सनल यूज के लिए कोई चीज विड्रॉ करता है तो वो ड्रॉइंग्स होती है, यानी कि ये क्या है? ड्रॉइंग्स है। और ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट। अब चीज क्या निकाली इसने? शर्ट्स। क्या निकाला बिजनेस में से? शर्ट्स निकाले, यानी कि शर्ट्स वापस गुड्स है। और गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो अपन क्या कहते हैं कि ड्रॉइंग्स पर्सनल अकाउंट की जब बात आती है तो डेबिट द रिसीवर। ये चीज किसने काम में ली? ओनर ने। और ओनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ड्रॉइंग्स कर रहा है। तो अपन क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाल लिया बिजनेस में से? क्या यूज में लिया? शर्ट्स लिया। और शर्ट्स को अपन ने गुड्स का है कि गुड्स काम में लिए, और गुड्स के लिए वापिस कौन सा वर्ड काम में आया? परचेज। क्यों? क्योंकि ये जो शर्ट्स ऑनलाइन ने पर्सनल यूज के लिए काम में लिए, इसके लिए वो पैसे तो नहीं देगा बिजनेस को, यानी कि बिजनेस के पास पैसे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो ये लॉस है ना उसका। तो बिजनेस का जब लॉस है और ऑनलाइन ने काम में लिया है, तो हम ये मानते हैं कि इतना गुड्स बिजनेस ने खरीदा ही कम था, तो हम क्या करते हैं? वापिस परचेज को क्रेडिट कर लेते हैं। कितनी अमाउंट है? 12000।
नरेशन अपन लिख देते हैं गुड्स या शर्ट्स टेकन अवे बाय द प्रॉपर्टर। क्लियर है। बात करें नाइन्थ जैन की, नाइन्थ जैन की साड़ीज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बिजनेस के सेल्स को प्रमोट करने के लिए फ्री सैंपल में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या किया? बिजनेस के सेल्स को प्रमोट करने के लिए सारी जो गुड्स हैं उसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिस्ट्रीब्यूट किया यानी कि अपना, अब दो अकाउंट आइडेंटिफाइड करें तो फ्री सैंपल अपन बात करें तो फ्री सैंपल को अगर क्यों दिया फ्री सैंपल, रीजन क्या था? सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स बढ़े अपनी, उसी के तो अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैंपल्स के लिए कि देखो साहब हमारे पास ये प्रोडक्ट है इसको आप यूज करें, इसको यूज करने के बाद में आप देखें कितना अच्छा है। तो जब वो यूज करेंगे तो क्या करेंगे, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं या नॉन पर्सन है उनको बताएंगे कि ये गुड्स बहुत अच्छा है आप इनसे परचेज करें, यानी कि अपनी सेल बढ़ेगी। तो अपन ने ये जो फ्री सैंपल दिया है सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया है तो अपना जो एक्सपेंसेस है यानी कि इसका पैसा तो नहीं मिलेगा अपने को, फ्री में दिया है अपन ने, क्या दे दिया? गुड्स दे दिया। अब गुड्स रियल अकाउंट बन गया और ये जो फ्री में दिया है ये नॉमिनल अकाउंट ही तो है, पैसा तो नहीं आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो मैं इसको यहां पर ये लिख देता हूं सेल्स प्रमोशन, किस पर्पज से दिया है? सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया है, सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू क्या दिया साड़ी जी? गुड्स दिया और गुड्स को कम करने के लिए वापस परचेज को क्रेडिट कर देते हैं टू परचेज, कितने रुपए के दे दिए? 3000 रुपीज के। नरेशन अपन लिख देते हैं बीइंग सारी डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्लियर। बात करें टेंथ जैन की, गुड्स पेपर क्लोथ, अपने बिजनेस में से ही गुड्स को काम में ले लिया, यूज फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज में ही काम में ले लिया, यानी कि जो गुड्स अपने अपन ने बेचने के पर्पज से खरीदा था, रीसेल करने के पर्पज से खरीदा था, उसको अपन ने खुद ऑफिस में बिजनेस ने ही यूज में ले लिया, बिजनेस ने यूज में ले लिया, यानी कि गुड्स तो फिर कम हो गया, पैसे आए नहीं अपने पास, नुकसान हो गया, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस में काम में लिया है तो ये अपना नॉमिनल अकाउंट बन गया और गुड्स रियल अकाउंट बन गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो अपन इसको एंट्री कर देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या काम में लिया? गुड्स काम में लिया, पैसे आए नहीं तो वापस परचेज को कम कर देते हैं, कर देते हैं तो अपन एंट्री कर लेते हैं टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 200। नरेशन अपन लिख देते हैं बिंग टॉवल्स यूज फॉर ऑफिस, हो गई कंप्लीट। तो ये जो अपन ने सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया था होम असाइनमेंट के लिए उसके सॉल्यूशन यहां पर है, आपने उसको सोल्व कर लिया है, अटेम्प्ट किया है सोल्व करने का, हो सकता है आपसे कुछ एरर्स हो गई हो उसमें, तो आप इससे उसको रीचेक करें, रीचेक कर अपनी जितनी भी गलतियां हैं जो भी एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे अपने कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।